राजधानी दिल्ली से 2200 किलोमीटर दूर संयुक्त अरब अमीरात में एक शहर है दुबई। दुबई का नाम लेते ही आपके मन में कैसी तस्वीर उभर रही होगी। जाहिर है ऊंची इमारतों वाला शहर, लेकिन ये शहर फिलहाल जल सैलाब से सहमा हुआ है। रेगिस्तान में बाढ़ बेहिसाब, डूब रहा रेगिस्तान का जहाज, डूब रही महंगी गाड़ियां, आलीशान इमारतें, बुर्ज खलीफा के आसमान में गड़कती बिजली का खौफ। ये तस्वीरें किसी हॉलीवुड की फिल्म की नहीं, ना ही ये तस्वीरें किसी ऐसे शहर की हैं जहां लगातार बाढ़ बारिश आती हो। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरों की बाढ़ आ गई है जहां खूबसूरत दुबई बेहिसाब बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आती दिख रही है। संयुक्त अरब अमीरात के कई हिस्सों में भारी बारिश और तूफान के बाद दुबई की सड़कों पर पानी लबालब भर गया है, बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। दुबई में अचानक मौसम बदलने और भारी बारिश से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। फिलहाल अचानक हो रही बारिश के सही कारणों का पता लगाया जा रहा है। खास बात यह है कि जिस दुबई को खूबसूरत इमारतों रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, यहाँ की आलीशान जिंदगी फिलहाल पानी पानी हो रही है। सड़कों का हाल बुरा है, यहाँ मानो जैसे कयामत आने वाली हो। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार तैर रहा है। गाड़ियों और बाइक पर सवार लोग जैसे तैसे अपनी जान जोखिम में डालकर घर से बाहर निकलने को मजबूर हैं। बेजबान भी अपनी जान की खैर मनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सोशल मीडिया में वायरल हुए इस वीडियो में सैकड़ों ऊंट पानी में डूबे हुए दिख रहे हैं। रेगिस्तान के जहाज अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आसमान में कड़कती बिजली बादलों के गरजने का आगाज कर रही है। नीचे दूर से देखने में तो सब शांत लग रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश हालात बिगाड़ देने की ओर इशारा कर रही है। साफ है दुबई की खूबसूरती पानी पानी होती दिख रही है। बाढ़ की ऐसी स्थिति होने से स्थानीय निवासियों को समुद्र तटों पर जाने से मना किया गया है। घरों के अंदर रहने की भी सलाह दी जा रही है। बारिश में यातायात और उड़ान संचालन प्रभावित हुई है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक दुबई म्युनिसिपैलिटी ने ड्रेनेज सिस्टम की मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की मौसम एजेंसी ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बात का भी खास ध्यान रखा जा रहा है कि अभी और बारिश हुई तो क्या किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि अगर और बारिश होती है तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं या फिर शिफ्ट के अनुसार काम किया जा सकता है। दुबई पुलिस भारी बारिश के बाद पैदा हुए हालातों पर काबू पाने और सड़कों पर ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए भी जद्दोजहद कर रही है। दूसरी ओर यहां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के भीतर पानी घुस आया है। खबरों के मुताबिक यहां लोगों के लिए रोजमर्रा के काम के लिए निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के लिए यक्ष प्रश्न ये भी है कि आखिर दुबई में मौसम कैसे इतना बदल गया। दरअसल दुबई में गर्मियां लंबी होती हैं, साथ ही आंशिक रूप से बादल भी होते हैं। गर्मी का मौसम 14 मई तक चलता है। दुबई में वर्ष का सबसे गर्म महीना अगस्त होता है। दुबई में वर्ष का सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है। यहाँ साल का 90% समय सबसे साफ अक्टूबर के महीने में होता है। दुबई में एक साल में 40% सर्वाधिक बादलों से ढका महीना जुलाई होता है। खास बात यह है कि दुबई बारिश बर्फबारी वाले दिनों के मौसम का आदि नहीं है। दुबई में सबसे अधिक बारिश वाला महीना फरवरी का होता है। फिलहाल दुबई की सड़कों में पानी भरने से नाव भी चलती दिखाई दे रही है।
सोशल मीडिया में ये वीडियो हैरान करने वाला है। सवाल यह है कि क्या दुबई के मौसम में अचानक आए बदलाव को ग्लोबल वार्मिंग का असर माना जाए या फिर कुदरत का कहर। योर रिपोर्ट, जी मीडिया।